फ्रेंड्स अभी हम अंदर जा रहे हैं तो चलिए। लातूर शहर के बीचों बीच स्थित है गंजगोलाई। वर्ष 1917 में निर्मित गंजगोलाई में देवी जगदम्बा के एक मंदिर के अलावा काफी सारी छोटी दुकान और फुटपाथ विक्रेता है। यह लातूर जिले के ऐतिहासिक निर्माणों में से एक है जिसने शहर को लगभग 100 वर्षों से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। गंजगोलाई एक दो मंजिला वास्तुकला है जो विशाल और शानदार है। तो फ्रेंड्स ये मंदिर है, मैं अभी आई हूँ इसके अंदर, सो बीइंग विद मी प्लीज। आप यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर मंदिर गोलाकार भवन के बीच में देवी जगदम्बा का यह सुंदर मंदिर है। इसकी संरचना में आध्यात्मिक पवित्रता झलकती है। यहाँ दशहरे के अवसर पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है। और ये बहुत ओल्ड मंदिर है, पता है आपको, ये बहुत ओल्ड मंदिर है और इसके टोटल 16 डोर्स है इसके अंदर। हाँ तो फिर देखो कितने सारे, और इसकी ये जो लातूर शहर है इसका मेन पॉइंट ये है, आई मीन गंजगोलाई। तो फिर अभी हम गंजगोलाई में ही है। गोलाई तो अभी तक नहीं घूमी, जस्ट हमने आपको दिखाया है अंदर जो क्या क्या है, तो आप ऑब्जर्व करिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ आजू बाजू का मैं आपको बताने जा रही हूँ, मिस परिसर आप देख सकते हो गोलाई के बाहर कितनी सारी भीड़ है और यहाँ पर शॉप्स भी है आप देख सकते हो इधर। जस्ट मैं अभी आपको यहाँ पर घुमा रही हूँ तो आप देख सकते हो कितने सारे दुकान है यहाँ पर। हाँ ये है कुछ मंदिर के बाहर का लोकेशन, मिस इसके हम बाहर है और इसके मिस इसके आगे बाजू का मैं आपको दिखा रही हूँ। गंजगोलाई के अंदर काफी सारे छोटे दुकान है जहाँ चूड़िया खिलौने आदि खरीदी जा सकती है। तो फ्रेंड्स मैं अभी जो गोलाई का जो सेंटर है और वो जो सराउंडिंग्स में जो औरत बैठी है ये बेच रहे कुछ, हम देखते हैं अभी क्या है। मौसी कितने कितना है चाहिए, ये बोल रहे 150 रुपये में। हेलो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरी आंटी है, ये यहाँ के सौंदर मुझे बहुत पसंद आए, मैं देख रही हूँ कितने में। मौसी कितने थे 100 रुपीज़ में बोल रहे हैं, देखती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स ये था आजू बाजू का परिसर। फ्रेंड्स मैं अभी यहाँ पर बेकरी में जा रही हूँ, आयरगढ़ बेकरी, आप देख सकते हो, रुको मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं बेकरी में, बेंगलोर आयरगढ़ बेकरी में। और फ्रेंड्स ये आयरगढ़ बेकरी है, आप देख सकते हो यहाँ का आइस केक तो बहुत ब्यूटीफुल है, गॉर्जियस, और मुझे तो यहाँ का आइस केक बहुत पसंद है। तो ये है आयगर बेकरी आप देख सकते हो, और इधर कितनी सारी भीड़ है। गंजगोलाई की मुख्य विशेषता है कि यहाँ के 16 सड़कें जो गंजगोलाई को शहर के अलग अलग हिस्सों से जोड़ती है, और इन सड़कों में अलग अलग वस्तुओं का व्यापार होता है जैसे कि सोने, जूते, कपड़े, बर्तन, खाद्य वस्तुएं इत्यादि। खास करके लातूर शहर के आसपास के गांव के लोग गंजगोलाई आते हैं खरीदारी या शॉपिंग करने के लिए।
फ्रेंड्स ये है एटो पॉइंट, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, तो ये है एटो पॉइंट, आप देख सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी सारी बारिश हो रही है, देखो बहुत बहुत ज़्यादा बारिश है। मुझे बारिश में देखना बहुत अच्छा लगता है, आप बिलीव नहीं कर सकते हो इतनी बड़ी बारिश हो रही है।